हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल सेंसर के बारे में। तो दोस्तों, हर मोबाइल के अंदर एक सेंसर होती है जो कैमरे के पास मिलेगा आपको हर मोबाइल के अंदर। मगर दोस्तों, आपको पता है कि हर आदमी को एक ही फीचर मालूम रहती है सेंसर के बारे में, जो सिर्फ कॉल लगाएंगे तो वहाँ पे आप कान के पास लगाएंगे तो लाइट बंद हो जाती तो वो सेंसर काम करती है। मगर दोस्तों, इसके अलावा भी और भी फीचर इसके सेंसर के अंदर मिलती है जो बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है कि सेंसर का क्या काम होता है, क्योंकि पता रहेगा तो ही फ़ायदा उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा सेंसर के कुछ हिडन फीचर के बारे में, जो आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी काम आसान बना देती है और काफ़ी यूज़फुल है, मेरे हिसाब से कूल यूज़फुल है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सेंसर की हिडन फीचर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सितारे, आप देख रहे हो गाटोगा चैनल। तो दोस्तों, आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर के। नहीं तो दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये काम करेगा सेंसर, दो एप्लीकेशन बिना रूट का काम करती है, कोई रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला एप्लीकेशन बताऊँ कि सेंसर का काम क्या होता है, ये एप्लीकेशन सेंसर से क्या कनेक्टेड है और क्या फीचर इसमें एप्लीकेशन मिलती है। तो चलिए, इसे एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों सेटअप। तो इसे ओपन करेंगे, जब भी आप इंस्टॉल करेंगे ओपन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नाम सेटअप लिखा हुआ। तो इसे ओपन करेंगे दोस्तों, इसे अनेबल कर लीजिए। अनेबल करने का दोस्तों, यहाँ पे तीन लकड़ी पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे फीचर, बहुत सारे फीचर आपको मिल जाती है, जैसे कि आप दोस्तों, मैं आपको समझा दूँ इस एप्लीकेशन के क्या फीचर, ये क्या काम करती है ये फीचर सेंसर का। तो दोस्तों, आपका जब भी कॉल आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका हाथ भींगा हुआ रहता है कभी कभी, जैसे आप कभी खाने खाते रहते हैं तो वहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे टच नहीं कर सकते क्योंकि दाग आ सकती है, या पानी डालेंगे तो वहाँ पे टचिंग काम नहीं करती है, पानी हाथ रहता भींगा हुआ तो वहाँ पे टचिंग काम नहीं करते। तो इसके एप्लीकेशन की मदद से आप जब भी कॉल आएगा तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आंसर भी कॉल कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉल आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपका अनेबल साइलेंट मोड में नहीं है, ऑन है, साइलेंट मोड से ऑन है, तो वहाँ पे कभी कभी आपका ये किसी को दिखाना नहीं है, साइलेंट में रखना है, तो सिंपल जैसे कॉल आती है तो इस तरह से करेंगे तो मोबाइल साइलेंट मोड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जैसे जब भी आप कॉल किसी का काटना है, जैसे कॉल आते तो काटना है किसी को, तो इसे डी एंड कॉल, तो इसे अनेबल करेंगे तो इस तरह से कॉलेंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कट जाएगी, अगला जो भी कॉल करेगा तो कट जाती है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे और भी फीचर मिल जाती है, जैसे कि आपका स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑन है तो जब भी आप कान पे लगाएंगे तो आपका स्पीकर ऑटोमेटिकली हर मोबाइल के अंदर बंद नहीं होती है, मगर ये एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जब भी आप कान में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका स्पीकर बंद हो जाएगी। तो इसे अनेबल कर लीजिए, यहाँ पे टिक मार के रखा, तो इसे अनेबल करने के बाद और यहाँ पे और ही फीचर यहाँ पे मिल जाती है, हैंडफोन मल्टीवी, इसे क्लिक करेंगे तो हैंडफोन मल्टीवी सुनेंगे तो आपका बंद हो जाएगी और भी कान के अंदर सुनाई देगा। तो ये फीचर सेंसर का काम करती है और ये फीचर आपको यूज़ करना चाहिए एप्लीकेशन की मदद से। जो क्यों ना यूज़ करो, जब सेंसर का काम, जो सेंसर हर मोबाइल के अंदर होती है तो आपको यूज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से मोबाइल के इतनी रग रग के चीज़ में आपको फीचर मिलते हैं मगर आपको नहीं पता होती है। मगर दोस्तों, जब आप मोबाइल लेते हैं तो यूज़ करना चाहिए, हर चीज़ का मालूम करना चाहिए कि क्या फीचर किसके अंदर क्या फीचर होती है। आपको नहीं पता मगर पता लगाने के बाद यूज़ करना चाहिए, जब इतनी महंगा मोबाइल लेते हैं तो आपको मालूम रहना चाहिए दोस्तों। तो इसके फ़ायदा उठा सकती है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। उसके बाद दोस्तों, दूसरी एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसका नाम है हैविंग कंट्रोल फ्री। तो इसका क्या काम है दोस्तों, इसे जब भी ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे लोडिंग होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि दोनों एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो कोई एक ही काम में आप लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका सेंसर कभी भी कन्फ्यूज़ हो सकता है, दोनों काम नहीं करेगा, एक ही चीज़ में दोनों काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अलग अलग डिफिकल काम होती है इस सेंसर का। और तो ये एप्लीकेशन का काम क्या है कि जब भी इसे ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बटन का आइकॉन को इसे पहले अनेबल कर लीजिए। अनेबल करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, मतलब शो हो जाएगा कि यहाँ पे बताया कि आपका एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ऑन ऑफ लिखा होता है, ऑन ऑफ कर दीजिए। ऑन करने के बाद दोस्तों, इसे आपको एप्लीकेशन में लेके जाएगा, तो यहाँ पे मैं कैमरा चूज़ कर लेता हूँ। कैमरा चूज़ करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक कर लीजिए। एक्सेप्ट क्लिक करने दोस्तों, यहाँ सेंसर को ऐसे, तो यहाँ पे देखिए होल्ड करने के बाद आपका ये आपका कैमरा ओपन हो जाती है, जो काफ़ी कमाल की है फीचर। उसके दोस्तों, और भी फीचर इसके अंदर मिल जाती है, मैं आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों स्लॉट ऑन लिखा हुआ है, तो इसे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करने दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फीचर और मिल जाती है। यहाँ पे ऑन करेंगे,
ऑन करेंगे दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी मैं ब्राउज़र चूज़ कर लेता क्रोम और बाय डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ। और बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करने का दोस्तों यहाँ पे क्या फीचर यहाँ पे मिलती है, जैसे कि यहाँ पे मल्टी यहाँ पे अनेबल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आइकॉन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा फीचर यहाँ पे मिल जाएगी, गैलरी और बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे सेंसर को ऐसी इस तरह क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्डर आपको खुल जाएगी, जैसे सेट करके रखेंगे ब्राउज़र हो, फोटो गैलरी हो, एप्लीकेशन मैनेजर हो, कोई भी चीज़ आपको सेट करके रखेंगे तो सेंसर का काम कर सकते, क्योंकि कभी कभी आपका हाथ व्यस्त रहता है, जैसे आपका हाथ भींगा हुआ रहता है या खाना खाते रहते हैं, तो इस तरह से काम ये सेंसर का काम कर सकते हैं इस सब चीज़ में, आपका हाथ बिजी रहती है तो। उसके बाद दोस्तों अगला फीचर यहाँ पे इसी एप्लीकेशन में, तो आगे लास्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑन है तो इसे ऑफ़ है तो इसे ऑन कर लीजिए। ऑन करने का दोस्तों और भी एप्लीकेशन चूज़ कर लीजिए, कैलेंडर को चूज़ कर लेते हो, बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे इसका काम किस तरह से काम करेगा, तो जब भी इस तरह ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपको फोल्डर ओपन हो जाएगी जो आप सेंसर का काम यूज़ कर सकते हैं, और भी बिना रूट का कोई रूट करने की ज़रूरत नहीं, तो ये दो एप्लीकेशन यूज़ कर लीजिए। मगर ध्यान रखें दोस्तों कि दोनों एप्लीकेशन कोई एक काम में यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका मोबाइल जो सेंसर होती है कन्फ्यूज़ हो जाएगा और काम कुछ से कुछ आपका एप्लीकेशन खुल जाएगी और आपका परेशानी और भी बढ़ सकती है। तो मेरे मानो दोस्तों कि आपका जो सेंसर हर मोबाइल के अंदर होती है, तो ये दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप काम कर सकते हैं, सेंसर का काम कर सकते हैं, जो आपका काफ़ी काम आसान बना देते। तो मेरे मानो दोस्तों आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो में आपको मैंने जो समझाया तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, जो मैंने सेंसर के बारे में जो टॉपिक में बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को बड़ा सा थम्सअप दे दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब तक होगा तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपके मन में जो भी सवाल सुझाव करना चाहते हैं तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें, बाय।